विश्व कप 2023 में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच एक बड़ा मुकाबला खेला गया। 17वें मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराते हुए चौथी लगातार इस विश्व कप की जीत दर्ज की। भारत के लिए इस मैच में सबसे बड़े हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने शतक जड़ा। 103 रनों की इस पारी में विराट कोहली ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से भारत को जीत दिलाने में बड़ा योगदान दे दिया। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां शतक जड़ा है। विराट कोहली अब सचिन के रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 2 शतक दूर हैं। विश्व कप में उन्होंने अपने करियर का 3रा शतक जड़ा है। दूसरी बार वर्ल्ड कप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाई है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी इस शतक को पूरा होने देना ही नहीं चाहते थे। दरअसल में मैदान में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसे देखने के बाद भारतीय फैंस एक समय पर आग बबूला हो गए, क्योंकि बांग्लादेशी फिरकी गेंदबाज विराट का शतक ना हो इसलिए वाइड गेंद लगातार डाल रहे थे, जिसके चलते विराट कोहली भी परेशान हो गए थे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल में ये पूरा मामला 43वें ओवर का है। आपको बता दें कि जब विराट कोहली 97 रनों पर थे, तब टीम इंडिया और कोहली दोनों को ही 3-3 रनों की जरूरत थी भारत को जीत की और कोहली के शतक की। आपको बता दें कि विराट कोहली का शतक ना हो इसलिए बांग्लादेश के स्पिनर नासूम अहमद ने वाइड गेंद डाली। इसके बाद मात्र 2 रनों की ही दरकार थी और विराट 3 रन से पीछे थे शतक से। इसके बाद विराट कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला जिसकी वजह से बल्लेबाज बाउंड्री तक गेंद को नहीं पहुंचा पाए, लेकिन विराट भी इस शतक को पूरा करने के लिए मानो तैयार नजर आ रहे थे और उन्होंने सिंगल लेने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद गेंदबाज लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे कि विराट का शतक ना हो, लेकिन अंत में उनसे गेंद फुल टॉस चली गई, जिस पर छक्का लगाकर विराट ने अपने 48वें शतक को अंजाम दिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, जब विराट कोहली 92 रनों पर थे तब भी तेज गेंदबाज ने इतना बड़ा बाउंसर मारा कि अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। यहाँ पर मंशा साफ थी कि विराट का शतक नहीं होने देना है, इसलिए बांग्लादेशी गेंदबाज लगातार वाइड गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर भला हो फिरकी गेंदबाज का जिन्होंने नो बॉल नहीं डाली, क्योंकि अगर नो बॉल डाल देते तो विराट के पास और कोई चारा नहीं होता और इस मुकाबले को टीम इंडिया को बिना विराट के शतक के ही जीतना पड़ता। लेकिन कुदरत को भी विराट का 48वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के इस बड़े मंच पर ही आना था, जिसके बाद विराट ने अपनी सेंचुरी को पूरा किया और टीम इंडिया को जीत दिलाया। आपको बता दें कि इस शतक के बाद विराट को प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।